हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीबी टेक्निकल वर्ल्ड। माय नेम इज दीपांशु बहल एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन के बारे में। तो बेसिकली लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग की थी, जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि 12 मिनी एंड 12 प्रो मैक्स को कंपेयर करके ये देखा जाए क्या आपको 130,000 रुपए खर्चने चाहिए या फिर आपको वो सारे फीचर्स मतलब ऑलमोस्ट 65,000 में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि मिनी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था मेरा एंड इवन कमेंट में मुझे ऑब्वियसली यस आया, बट इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि यार आप प्लीज उन दोनों को कंपेयर करके हमें बताओ कि क्या हमें 65,000 खर्च के वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि 130,000 रुपए में है। तो उसका आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। इवन मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जो आपको मिनी और मैक्स के डिफरेंस में मिलती है। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और थोड़ी सी ढीली है यार, अगर आवाज आपको लगे कि थोड़ी सी भारी है या फिर थोड़ी सी खरखराश लगे तो वो पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो गाइस अभी के लिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी क्या है ना कि वीडियो जब हमने बनाई थी तो मैंने आपको आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 प्रो मैक्स के सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था, बट यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात हो रही है कि दोनों में क्या आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलती है या फिर डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक साइड पे जहां आपको 12 प्रो मैक्स में ग्लास में मैटी लुक मिलता है और साइड्स आपको मिलती हैं स्टेनलेस स्टील की, वहीं आपको 12 मिनी में बैक आपको मिलता है ग्लॉसी लुक में जो कि है तो ग्लास का, एंड साइड्स आपको मिलती है एल्यूमिनियम की जो कि है मैटी डिजाइन में। 12 प्रो मैक्स आपको ग्लॉसी डिजाइन में मिलता है एंड 12 मिनी आपको मैटी डिजाइन में मिलता है। तो बेनिफिट्स देखा जाए तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग हैं क्योंकि 12 प्रो मैक्स में साइड में फिंगरप्रिंट आते हैं, बैक साइड पे नहीं आते, बट यहाँ 12 मिनी में साइड में नहीं आते बट बैक में आते हैं बिकॉज बैक इसका ग्लॉसी है। फ्रंट साइड पे दोनों में आपको सेरेमिक ग्लास दिया हुआ है जो कि 4x ड्रॉप रेजिस्टेंट, मतलब 4 गुना ज्यादा इसका ग्लास हैवी है दोनों का, सेम ग्लास लगा हुआ है दोनों में, मतलब दोनों भी अगर आपके हाथ से गिर जाएंगे तो 4 गुना ज्यादा इनके ग्लास इतने सिक्योर रहते हैं कि ग्लास इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एंड यहाँ पे आपको जो कैमरा बम्प है वो 12 प्रो मैक्स में ज्यादा दिया हुआ है एज कम्पेयर टू 12 मिनी। ओके, तो अगर यहाँ पे इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 या 4 डिफरेंस निकल के आते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो डिफरेंस जो है सबसे पहले है इसका साइज, क्योंकि डिस्प्ले के बारे में बात करते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि साइज क्या है भाई। तो 12 मिनी का है 5.4 इंचेस एंड 12 प्रो मैक्स का है 6.7 इंचेस, तो डिफरेंस आ गया 1.3 इंचेस का जो कि काफी ज्यादा है। एंड जो दूसरा डिफरेंस निकल के आता है वो है इन दोनों के रेजोल्यूशन। 12 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलता है 2778x1284 पिक्सल रेजोल्यूशन एट 458 ppi, वहीं आपको 12 मिनी में देखने को मिलता है 2340x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन एट 76 ppi। तो यहाँ ऑब्वियसली बिग डिस्प्ले है तो रेजोल्यूशन इसका ज्यादा बेटर होगा, बट ज्यादा इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी में डिफरेंस दिखे। मतलब कि अगर आप नॉर्मली वीडियोस देखते हो, नॉर्मली अगर आप स्ट्रीमिंग देखते हो, कुछ भी आप देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं आती। डिफरेंस आता है तो सिर्फ डिस्प्ले साइज क्या, क्योंकि ऑब्वियसली आप बड़ी डिस्प्ले में थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय कर पाते हो वीडियोस को। एंड तीसरा जो डिफरेंस है वो इतना भी मेजर नहीं है, मतलब कि 12 प्रो मैक्स में आपको जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है दैट इज ऑफ 800 निट्स एंड मिनी में आपको देखने को मिलती है 625 निट्स। ये दोनों नॉर्मल में है एंड दोनों में पीक ब्राइटनेस जो है आपको वो 1200 निट्स की ही देखने को मिलती है, तो इतना मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको दोनों में सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलती है, दोनों में ओलेड डिस्प्ले मिलती है, दोनों में HDR डिस्प्ले है, दोनों में 2:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, दोनों में ट्रू टोन डिस्प्ले है, दोनों में आपको हैप्टिक टच देखने को मिलता है। तो डिफरेंस इज ओनली 3 एंड डिस्प्ले में मेजर इज द डिस्प्ले साइज मेरे हिसाब से, बाकी मुझे इतना मेजर नहीं लगा। सेकंड बात करेंगे यहाँ पे सेकंड द मोस्ट यूजेबल फीचर के बारे में, दैट इज कैमरा। तो यहाँ सिंपली इतना तो देखने को पता लग जाता है कि इसमें आते हैं 2 कैमरा और इसमें आते हैं 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा कम कुछ मिलता है, बट क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सेंसर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के साथ वाइड एंगल कैमरा मिलता है, दोनों में आपको f2.4 देखने को मिल रहा है। दूसरा जो सेंसर है उसमें
जिसमें आपको f2.4 एपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। एंड जो यहाँ पे तीसरा कैमरा है जो 12 मिनी में आपको नहीं मिलता है 12 प्रो मैक्स में है, वो है टेलीफोटो कैमरा जो f2.2 एपर्चर के साथ 12 प्रो मैक्स में आपको मिल जाता है बट आपको 12 मिनी में नहीं मिलता। बट क्या आप नॉर्मल लाइफ में टेलीफोटो को इतना यूज करते हो? अगर करते हो तो 130,000 खर्च लेना, और अगर नहीं करते हो तो 65,000 में भी काम चल सकता है। और अगर एक और मेजर डिफरेंस के बारे में बात करूं मैं कैमरा में, तो 12 प्रो मैक्स में आपको सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है जो 12 मिनी में आपको देखने को नहीं मिलती। मतलब सेंसर शिफ्ट नहीं मिलती, वैसे तो आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें भी मिलती है। तो सेंसर शिफ्ट बेसिकली क्या है, मतलब कि अगर आप इसको ऐसी जगह पे ब्लॉगिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर जैसे रनिंग में यूज कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी आई है 12 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलती है। उससे आपकी इमेज काफी ज्यादा स्टेबलाइज रहती है एज कम्पेयर टू 12 मिनी। इवन बाकी किसी में भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती किसी भी मतलब 12 सीरीज में, सिर्फ आपको 12 प्रो मैक्स में ये फीचर दिया गया है। बाकी इसके अंदर आपको 12 प्रो मैक्स में नाइट मोड में भी पोर्ट्रेट शॉट देख सकते हो, और 12 मिनी में आपको नाइट मोड में पोर्ट्रेट शॉट नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा है। तो कैमरा में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा में गाइस कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ वाइड एंगल कैमरा मिलता है रेटिना फ्लैश के साथ। इवन यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो दोनों में आपको A14 बायोनिक चिपसेट मिलता है, और आपको जो iOS वर्जन मिलता है दैट इज 14.1 दोनों में आपको अपग्रेडेबल मिलता है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोसेसर। दोनों के दोनों आपको यहाँ पे IP68 वाटर डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्ट मिलते हैं। दोनों में आपको सिक्योरिटी की बात करूं तो फेस आईडी बिल्कुल सेम टाइमिंग के हिसाब से मिलती है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस और है दैट इज बैटरी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइज बड़ा है तो बैटरी भी बड़ी होगी, यहाँ साइज छोटा है तो बैटरी छोटी होगी। इसमें आपको मिलती है 2227 और इसमें आपको मिलती है 3687, तो यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट 1400-1500 एमएएच का फर्क आता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बैकअप का भी डिफरेंस आएगा, इसमें आपको वीडियो ऑडियो कॉलिंग और थोड़ा सा ज्यादा टाइम देखने को मिल जाएगा 2-3 घंटे के आसपास, और इसमें आपको 2-3 घंटे कम मिलेगा, बट ये भी इनफ होता है, एक दिन चल जाती है। दोनों में मैगसेफ की सेम टेक्नोलॉजी यूज है, दोनों में रिंग दी गई है, दोनों में वायरलेस चार्जिंग यूज कर सकते हो बट इसमें 15 वॉट और इसमें 12 वॉट यूज कर सकते हो। बाकी सारे फीचर्स मतलब ऑडियो वीडियो लुक्स सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भाई बात आ जाती है डिफरेंस क्या है, क्या हमें 1,20,000 खर्चने चाहिए या फिर 65 में गुजारा हो जाएगा। तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो मतलब कि अगर यहां पे आपके हाथ बड़े हैं तो आप ऑब्वियसली 12 प्रो मैक्स ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत ज्यादा एनहांस मिल जाते हैं। फीचर्स में दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड फीचर्स सारे के सारे यूजफुल होने वाले हैं गाइस। बट अगर आप इतना पैसा नहीं खर्चना चाहते तो 12 मिनी में भी गाइस आपको सारे फीचर्स ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 65,000 खर्च के 12 सीरीज वाला मजा नहीं ले सकते, सारे फीचर्स आपको वो देखने को मिल जाते हैं जो एक 12 सीरीज में अपग्रेड किए गए हैं 11 सीरीज से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 65,000 भी खर्चोगे तो इनफ है, बस साइज से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी ठीक है यार। सो गाइस बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, और काफी ज्यादा मतलब कोशिश करी है कि आपको सारी चीजें बता पाऊं, और ज्यादा डिफरेंस दोनों में था नहीं, सिर्फ मेजर जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, 10,000 की फैमिली कंप्लीट करनी है ये साल खत्म होने से पहले। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए गाइस दिस इज दीपांशु बहल, जय हिंद।